मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ। इस तरह सोना पहनने से दूर हो सकती हैं समस्याएं, जाने तंत्र में बताई खास बातें। सोना पहनने वाले को भारत में धनवान और समृद्ध समझा जाता है, लेकिन यदि ये नुकसान पहुंचाए तो आपके जीवन में घटना या दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। हम आपको बताएंगे कि सोने को कहाँ धारण नहीं करना चाहिए और सोने को कहाँ नहीं रखना चाहिए। आइए जाने तंत्र के जरिए से कैसे सोना आपके जीवन को संवार सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सम्मान के लिए तंत्र के अनुसार जिस भी इंसान को लोगों से सम्मान व राजकीय अधिकारियों से सहयोग की चाहत हो तो उसे सोना पहनना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे, जिन लोगों को शादी के कई सालों बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हों, वे अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में सोना धारण करें, फायदा होगा। माइंड को फोकस रखना चाहते हैं तो इंडेक्स फिंगर में सोना पहनें। इंडेक्स फिंगर में सोना पहनें। दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो गले में सोने की चेन पहने। ईशान में रखें। अक्सर लोग सोना तिजोरी में, अलमारी में या लॉकर में रखते हैं। सोना जहां भी रखें उसे लाल कपड़े में बांध कर रखें। सोना घर के ईशान या नेत्र कोण में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन पहने? यदि आपकी राशि मेष, कर्क, सिंह और धनु है तो गोल्ड आपके लिए शुभ है। वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए मध्यम, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लिए उत्तम नहीं होता है। सर्दी जुकाम, सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही ये विष के प्रभाव को दूर भी करता है। अगर सर्दी जुकाम या सांस की बीमारी हो तो रिंग फिंगर में सोना पहने। शनि ग्रह से जो लोग लोहे, कोयले का या शनि संबंधित किसी धातु का व्यापार करते हो उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। कौन ना पहने? जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत बोलने की आदत हो, उन्हें सोने के गहने नहीं पहनना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।